तो भाई एक चीज दिखाना है, ये है डेल का ब्रांडेड बोर्ड। बहुत सारा लोग ब्रांडेड बोर्ड का वीडियो डालो, ब्रांडेड बोर्ड का वीडियो डालते हैं। तो देखो ब्रांडेड बोर्ड तो ज्यादातर आता नहीं है, आता है तो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है या फिर होता नहीं है रिपेयर। तो ये एक बोर्ड है जो डेल का है, वो है HIMI H61 RMB। ये देख सकते हो 1007-1 ऐसा कुछ है। पर इस बोर्ड में देखो अभी नो पावर का इशू है, नो पावर का इशू है। क्या लिखा है? हाँ, नो पावर का इशू है। पीसी स्टोर से है ये बोर्ड, तो नो पावर का इशू है। अभी देख लेते हैं हम किस टाइप का नो पावर है और क्या है, देखते हैं इस बोर्ड में। तो चलो आ जाओ, इसमें पहले पावर डाल के थोड़ा सा देख लेंगे हम क्या है। तो डिबग कार्ड एक लगाते हैं यहाँ पर, ये लगा दिया। और कहाँ गया सीपीयू का पावर, ये भी लगा दिया। और फैन 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 लगा दिया एक। चलो फैन को बाहर रहने देते हैं। और डिबग कार्ड को फॉलो करने के लिए ऐसे करके रखना पड़ेगा, ऐसे करके। तो ये है बोर्ड बेसिकली। तो देखो अभी मैं ये पावर दिया, तो डिबग कार्ड में देख सकते हो एलईडी नहीं है, मतलब इसका PSON है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो एलईडी एक रेड एलईडी इंडिकेट है, पर इस बोर्ड में कोई डिफॉल्ट एलईडी है कि नहीं वो भी देख लेते हैं इस बोर्ड में। एक सेकेंड, देखो गलती कर दिया, फ़ोन फ्लाइट मोड ना करके वीडियो बनाया। अभी ये वीडियो मतलब कट हो जाएगा। एक सेकंड, मैं पॉज करके फ्लाइट मोड कर लेता हूँ फोन को। हाँ हो गया, नहीं तो कॉल आ जाता। तो देखो अभी ये जो है ये लाइट जल रहा है, पर डिबग कार्ड में कोई भी एलईडी नहीं है। और इसका फ्रंट पैनल जो है ये आपको मिलेगा एक इस साइड में मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो ठीक है, वो बाद में दिखाते हैं, पहले टिगर दे के देखते हैं इसका कुछ होता है कि नहीं। कुछ भी नहीं है, लाइट लेडी जल नहीं रहा है। तो इधर घुमा लेता हूँ और इसको इधर हटा देता हूँ और मल्टीमीटर पे आ जाता हूँ। तो इसका जो है 3 वोल्ट स्टैंड बाई है कि नहीं देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो ये हो गया इसका 3.4 वोल्ट, देख रहा है मल्टीमीटर। हाँ 3 वोल्ट स्टैंड बाय जो PSON है वो अवेलेबल है। पर हमारा क्या है, डिबग कार्ड में जो है यहाँ पर बोर्ड पे एलईडी जल रहा है, देख सकते हो। और डिबग कार्ड में देखो एलईडी नहीं है, स्लॉट का भी इशू नहीं है। दूसरे स्लॉट पे डालते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो डिबग कार्ड में कुछ एलईडी नहीं है और बोर्ड टिगर नहीं ले रहा है। तो एक सेकेंड, सिंपली एक बात है जो VRM सेक्शन को एक बार हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद एक बार सिंपली देख लेते हैं क्या होता है। ऑफ कर देता हूँ बोर्ड को, ये लाइट जाने देते हैं। और ये जो फैन है इसे ऑफ कर देता हूँ। हो गया, तो चला गया ये एलईडी। फिर से एक बार पावर देते हैं। तो ये देखो पावर देने के बाद यहाँ पर एलईडी थोड़ा सा जला और बोर्ड बंद हो गया। मैंने टिगर भी नहीं दिया था, पर इसका जो PSON है वो भी मिसिंग है। पर अभी यहाँ पर जो एलईडी है वो जल रहा है, पर डिबग कार्ड में PSON नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड चला था जब मैंने ये हटाया, मतलब सीपीयू का कोर सप्लाई जब हटाया मैंने, 12 वोल्ट सप्लाई। तो अभी एक बार इसको टिगर देते हैं, देखते ये चलता है कि नहीं। अगर चलता है तो क्या है, फिर भी देख लेंगे। हाँ बोर्ड तो अभी चला है, पर ये थोड़ा सा चल के बंद हो गया। पर इसका जो PSON है ये भी उसके साथ, मतलब यहाँ पर जो एलईडी जलता है स्टैंड बाई एलईडी वो गायब हो रहा है। और यहाँ पर रेड एलईडी का सिंबल है, पर यहाँ पर फिर से एक बार देख लेता हूँ इसका स्विचिंग वोल्टेज है कि नहीं। 3 वोल्ट स्टैंड बाई इसका, हाँ 3 वोल्ट स्टैंड बाई इसका है, 3 वोल्ट स्टैंड बाई है। पर डिबग कार्ड में एलईडी नहीं है, बोर्ड थोड़ा सा चल के ऑफ हो रहा है। तो देखो बेसिकली ऐसा अगर है तो आपको VRM सेक्शन में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो
तो इसे हटा के एक बार सिंपली चेक कर लेता हूँ। तो सिंपली एक बार मैं चेक कर लूँगा, मल्टीमीटर ये रखता हूँ, तो देखता हूँ यहाँ पर कहीं भी मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक करके इधर से शुरू करते हैं। शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी शॉर्ट नहीं है। मतलब मॉस्फेट तो मुझे एक भी शॉर्ट नहीं मिला। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जितने सारे जो SMD कैपेसिटर है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 1.7 मतलब शॉर्ट नहीं है, 1.8 शॉर्ट नहीं है, 1.7 शॉर्ट नहीं है, 1.8 1.8। अब ये काम करेंगे, इसका जो CPU है इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये यहाँ पर रखता हूँ, हाँ ठीक है, शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आ रहा था CPU के वजह से आ रहा था, ग्राउंड हो रहा था CPU से। ओ मैंने तो सोचा था यही शॉर्ट है, पर ये चार्ज ले रहा था इसलिए अभी चला गया। ये देखो 0.0 है, पर ये छोड़ देगा। ये देखो रीडिंग लेके मतलब कंटिन्यू लेके छोड़ दिया थोड़ा सा, अगर छोड़ देता है तो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ भी शॉर्ट नहीं मिला है, पर ओ सॉरी इस साइड में भी 2-3 है, इसे भी लगे हाथ थोड़ा सा चेक कर देता हूँ। तो ये भी शॉर्ट नहीं है, अच्छा, तो VRM सेक्शन में एक MOSFET शॉर्ट मिल चुका है। ये देखो ये एक MOSFET जो है ये शॉर्ट मिल चुका है मुझे, इधर से भी इधर से भी। तो देखो इसके वजह से डिबग कार्ड का LED मिसिंग हो रहा है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ब्रांडेड बोर्ड में कुछ सीक्वेंस जो है वो अलग तरह का होता है। तो VRM सेक्शन में शॉर्ट है और डिबग कार्ड में लाइट नहीं है, ये भी मुश्किल मुमकिन नामुमकिन नहीं है, हो भी सकता है, तो डेफिनेटली कह नहीं सकते, पर शॉर्ट मुझे मिला है। तो हम इसे रिमूव करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं। पहले तो मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको। तो एक MOSFET शॉर्ट मिला है, तो इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले। साथ में रहो, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। अगर रेडी हो जाएगा तो वीडियो मिल जाएगा, डेफिनेटली रॉ फुटेज। ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो ब्रांडेड बोर्ड, में एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मल बोर्ड में क्या है वो इजीली कंपोनेंट रिमूव हो जाता है, पर ब्रांडेड बोर्ड में जो है वहाँ पर जो शोल्डर यूज़ किया होता है, और ग्राफिक्स कार्ड पे भी वो बहुत अच्छा वाला शोल्डर यूज़ किया हुआ होता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और आपके पास अगर नॉर्मल सा SMD है जो मैं पहले यूज़ करता था, उससे अगर आप रिमूव करेंगे तो झटक से 3 सेकंड में वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो हीट है वो डायरेक्टली कंपोनेंट पे जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि मतलब कंपोनेंट जो है वो जल जाता है, जिसका नया हाथ है, जो नया काम सीखते हो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जितना भी हीट कम दो या ज़्यादा दो
वो कंपोनेंट जला देता है, चाहे मॉस्फेट हो या फिर PWIC हो या फिर जो भी हो, कैपेसिटर हो। तो देखो अभी भी 500 पे मेरा हीट है, अभी भी ये नहीं उठा, तो ये उठेगा देखो। मतलब इतना टाइम लग रहा है ये इस SMD से, जो पहला वाला जो यूज़ करता था उसमें इसका मतलब जो टाइम लगा उससे तीन गुना पहले ये रिमूव हो जाता है ये मोस्ट। तो ये हटा दिया, तो शॉर्ट PCB में है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हो भी सकता है कभी कभार। तो PCB में शॉर्ट नहीं है, CPU तो मैंने लगा के रखा है, फिर भी अगर होता तो शॉर्ट हो जाता, तो शॉर्ट नहीं है ठीक है। तो ये सोर्स के साथ करेगा ड्रेन पे भी, तो ये शॉर्ट नहीं है। तो ये जो MOSFET है 100% ये ख़राब है, तो अभी चेक करवा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो तो ये इन चैनल MOSFET है, तो ब्लैक प्रॉप को ड्रेन पे रखेंगे और इसका सोर्स पे, तो देखते ये दोनों पे ही बीप दे रहा है, मतलब ये डेफिनेटली ख़राब है, डेफिनेटली ये ख़राब हुआ है, देखते हैं। हाँ ये ख़राब है, डेफिनेटली ख़राब है, ये दोनों साइड से भी बीप कर रहा है। ओ एक सेकेंड, ये दोनों साइड पे बीप कर रहा है ठीक है, मतलब ये ख़राब है, तो इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी लगे हाथ ये वीडियो तो एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं बनेगा अगर, क्योंकि MOSFET ही शॉर्ट निकला। तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ पेंडिंग था, तो बहुत सारा लोग है जिनको पता नहीं है, तो इस MOSFET वाला केस आया इसलिए याद आया, तो थोड़ा सा बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनो, देखो और सुनो। तो बहुत सारे लोग है जिनको पता नहीं है कि ये जो MOSFET हमने अभी रिमूव किया इस बोर्ड से, तो इसे पकड़ लेते हैं, ये हाई टाइप का MOSFET है और ये लो टाइप का है ठीक है। तो मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से ये MOSFET रिमूव करके यहाँ पर इंसर्ट करते हो तो आप कर सकते हो इजीली, पर आपको ध्यान रहे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये सबको पता है जो काम करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन लोगों के लिए ही बस है, जिनको पता है वो वीडियो को थोड़ा सा मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो देखो ये भी एक बोर्ड मैंने ले लिया, तो ये है इसका हाई ड्राइव और ये है लो ड्राइव, तो ये लैपटॉप के सीक्वेंस में लगता है हाई ड्राइव लो ड्राइव। तो हाई ड्राइव लो ड्राइव नहीं कहेंगे इसे, तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी MOSFET और सेकेंडरी MOSFET ठीक है। तो अगर हम अभी ये प्राइमरी सेक्शन का एक MOSFET यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगा देंगे तो ये काम चल जाएगा, अगर हमने ये सेकेंडरी MOSFET यहाँ से रिमूव करके ये जो हाई ड्राइव में प्राइमरी MOSFET के सेक्शन में लगाया तो भी ये काम करेगा। काम नहीं करेगा मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो MOSFET इन चैनल होना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप मदरबोर्ड से ही अगर आप निकालोगे तो इन चैनल ही होगा, क्योंकि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में VRM सेक्शन में पी चैनल अभी भी आया नहीं है। कुछ कुछ बोर्ड में, ब्रांडेड बोर्ड में आते हैं, पर ज़्यादातर मतलब 98% बोर्ड में सब आपको इन चैनल MOSFET ही मिलेगा, 99% बोर्ड में मिलेगा, 1% बोर्ड में इधर उधर हो जाता है, कुछ कुछ ब्रांडेड बोर्ड में आता है ठीक है। और जिस बोर्ड में कभी भी आए मेरे हाथ लगे तो एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि पी चैनल के काम कैसे क्या है बोर्ड में। तो देखो मैं बात यही बोलना चाहता हूँ, बस आप जब काम कर रहे हो तो ये जो MOSFET आपने निकाला, अगर मान लो एक सेकंड होल्ड करो, पॉज करता हूँ, एक स्क्रैप मैं लेके आता हूँ, डेल का ही ले लेता हूँ। तो देखो ये एक स्क्रैप आ चुका है, ये देखो ये भी इसी मॉडल का ही एक बोर्ड है, ये भी 61 का है पर थोड़ा सा अलग सीरीज का है। तो देखो अभी मैं ये समझा रहा हूँ MOSFET के बारे में, तो अगर मैं ये देखो सेम सीक्वेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है एक इंडक्टर के साथ, ये यहाँ पर, तो ये जो दो MOSFET है ये सेकेंडरी MOSFET है और ये प्राइमरी है। तो अभी मैं यहाँ पर जो हमने MOSFET को रिमूव किया है ये प्राइमरी सेक्शन का हाई ड्राइव यहाँ पर लगाऊंगा तो ठीक ठाक ये चलेगा। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकेंडरी MOSFET को यहाँ पर लगाया तो बोर्ड तो रन हो जाएगा, चलेगा, पर ज़्यादा दिन ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्शन का जो MOSFET होता है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ठीक है। तो इसके ऊपर ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्यों होता है, क्योंकि MOSFET के अंदर मुझे अभी डिटेल्स में बताना पड़ेगा क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात समझ जाओ, ये जो प्राइमरी सेक्शन का हाई ड्राइव होता है ये थोड़ा सा सॉलिड होता है,
और क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा आता है, तो ये जो है, मैं कैसे समझाऊँ भाई, ये जो मॉस्फेट है, तो मेरी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओ। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और ये थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर काम करेगा, पर कितना दिन करेगा ठीक नहीं है। मतलब 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना बाद ये मॉस्फेट फिर से आपका मतलब ख़राब हो सकता है, अगर आप हाई डाइप के जगह पे लो डाइप का मॉस्फेट यूज़ कर रहे हो तो मतलब प्राइमरी सेक्शन पे आप अगर सेकेंडरी वाला मॉस्फेट लगा रहे हो तो आपका बोर्ड रन तो हो जाएगा, पर कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप ये मॉस्फेट मैंने यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर लगाया, तो ये बोर्ड अगर फिक्स हो गया तो ये कंटिन्यू चलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर बोर्ड में और कुछ छोटा मोटा शॉर्ट की वजह से मॉस्फेट ख़राब हुआ है तो फिर से हो सकता है, वो अलग बात है। पर अभी हमको क्या है, ये जो हाई ड्राइव है यहाँ पर प्राइमरी मॉस्फेट सेक्शन में प्राइमरी मॉस्फेट ही लगाना है, क्योंकि ये भी एन चैनल मॉस्फेट है और यहाँ का सीक्वेंस भी सेम है इस बोर्ड में भी, देख सकते हो। तो मैं ढूंढ ढूंढ के यही एक बोर्ड चुना हूँ जो समझाने में मुझे आसान रहेगा। तो यहाँ से मॉस्फेट निकाला, मतलब ये प्राइमरी सेक्शन का मॉस्फेट ही डालना पड़ेगा, आप किसी भी बोर्ड से डाल सकते हो, पर ध्यान रहे वो प्राइमरी मॉस्फेट होना चाहिए। और एक आसान तरीका है, प्राइमरी मॉस्फेट कौन सा है अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे आप ले सकते हो, डायोड मोड पे, और यहाँ पर जो सीपीयू सॉकेट होगा, सीपीयू सॉकेट के पॉजिटिव में आप एक प्रॉप को डालो और नेगेटिव और एक प्रॉप को मॉस्फेट के ड्रेन पे डालो। जिस मॉस्फेट के ड्रेन से बीप करता है वो समझो प्राइमरी मॉस्फेट है, और जिससे वो बीप नहीं करेगा, देखो ये सेकेंडरी मतलब लो ड्राइव है, इससे ये बीप नहीं करेगा, पर इससे करेगा। तो जिससे पॉजिटिव का सप्लाई कनेक्टेड है, 12 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हो गया आपका हाई ड्राइव मॉस्फेट, मतलब प्राइमरी मॉस्फेट। तो इतना याद रखना है, अगर आपको चेक करना है कि भाई प्राइमरी मॉस्फेट कौन सा है, एक आपको बोर्ड मिला है पर मॉस्फेट का आर्किटेक्चर कुछ अलग अलग है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्राइमरी मॉस्फेट है कौन सा सेकेंडरी है, तो सिंपल सी बात है, मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पर डाल दो। कंटिन्यूटी मोड पर डालने के बाद यहाँ पर जो सीपीयू का 12 वोल्ट इनपुट होता है उनमें पॉजिटिव में एक डालो, और जितने मॉस्फेट आपको दिखे उसका ड्रेन पे आप टच करो, जिस ड्रेन के साथ ये कंटिन्यूटी कंटिन्यू मतलब बीप करेगा, आप समझो कि उसी के साथ 12 वोल्ट डायरेक्टली इनपुट किया गया है, वही हाई ड्राइव है और वही प्राइमरी मॉस्फेट है, और जिनके साथ ये बीप नहीं करेगा वो हो गया जाएगा सेकेंडरी मॉस्फेट। देखो तो ये दोनों के साथ ये बीप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी मॉस्फेट, और इसके साथ बीप कर रहा है तो ये हो गया प्राइमरी मॉस्फेट। तो इधर भी सेम कुछ होगा, प्राइमरी के साथ ड्रेन के साथ ये बीप करेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो जो ये वीडियो ध्यान से देखे हो स्किप ना करके, वो ज़िंदगी में और प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, सॉल्व हो जाएंगे उसका जो प्रॉब्लम था छोटा मोटा। तो अभी क्या है, ये भी हाई ड्राइव है, तो देखो इसका पॉजिटिव इधर मिलेगा, ये पॉजिटिव के साथ इसका ड्रेन कनेक्टेड है, तो देखो ये बीप कर रहा है, पर इसके साथ देखो ये बीप नहीं करेगा, थोड़ा सा करके बंद हो जाएगा, तो इसके साथ भी नहीं करेगा, पर इसके साथ ये देखो करेगा, तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो अभी क्या है, इस जो बोर्ड है, हम इस बोर्ड से ये जो सेक्शन है, इसी सेक्शन का इसी मॉस्फेट को हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहो, ये बोर्ड को हटा देता हूँ साइड में, इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं रिमूव कर लूँ तब तक के लिए पॉज करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया इस बोर्ड से, यहाँ से, तो इस बोर्ड को हटा देता हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ तो थोड़ा सा अधूरा बता रहा हूँ तो थोड़ा सा अधूरा रख के फायदा नहीं है, तो और एक चीज़ भी बता दिखा देता हूँ, क्योंकि फुलफिल क्लियर कर दूँ सब्जेक्ट को। ये हमने अभी रिमूव किया इस मॉस्फेट को, और पहला वाला तो यही पर ही है, तो ये जो मैंने मॉस्फेट रिमूव किया इसको यहाँ पर रखता हूँ, और ये जो है, ये मॉस्फेट मैंने ये बोर्ड से रिमूव किया था। तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, प्राइमरी मॉस्फेट मतलब हाई ड्राइव और लो ड्राइव, सेकेंडरी मॉस्फेट का नंबर, आप जो भी बोर्ड में जाएंगे दोनों मॉस्फेट का नंबर अलग हो जाएगा, चाइना बोर्ड को छोड़ के। चाइना बोर्ड का लॉजिक मुझे पता नहीं है और किसी को भी पता नहीं है, चाइना बोर्ड का लॉजिक हम बेसिक इधर उधर से करते हैं, क्योंकि ना तो इसका कुछ मिलता है बोर्ड व्यू, ना स्कीमेटिक, ना कुछ भी नहीं मिलता है, तो काम करते करते हम भी कर लेते हैं चाइना बोर्ड का काम, क्योंकि तो देखो अभी एक चीज़ मैं बता देता हूँ छोटा सा, और भी सुन लो। तो प्राइमरी मॉस्फेट जो होगा ये इस बोर्ड में ही था, तो इसका नंबर मैं देख के बता देता हूँ। तो देखो इसका नंबर है D452 है, तो D452 है, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, एक सेकंड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप पे, ठीक है अभी सेटअप नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ सुन लो, इसका मॉडल नंबर है D452 है, तो इसके साथ एक ही जगह पे तीन मॉस्फेट था, पर इसका नंबर
अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लो डाइव है, सेकेंडरी मॉस्फेट है। तो इसका नंबर है, ये भी बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि अगर अच्छे से समझ गए तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी ने अगर पूछा या फिर खुद काम करते करते भी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। और किसी ने कहा है कि भाई वॉइस कम आता है, तो एक ही बंदे ने कहा है भाई तो वॉइस कम आता है, पर किसी ने तो ज़्यादा लोग तो कमेंट नहीं किया। पर कोई दिलदार हो एक माइक गिफ्ट कर दो एक अच्छा सा, ठीक है। अगर किसी को कम लगे तो एक माइक गिफ्ट कर दो भाई साउंड में, और माइक गिफ्ट नहीं करना है तो खुद का फ़ोन का स्पीकर चेंज कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से ही बात करता हूँ, और हेडफोन में सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इसका जो नंबर है ये बदल जाएगा, ये हो गया D4D472A। इसका नंबर दोनों का ही सेम है पर अलग हो गया, और इसका क्या था D452A, मतलब ये 52A है और D472A है, पर दोनों का अलग हो जाएगा नंबर, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मॉस्फेट है और आसान भाषा में, और ये थोड़ा सा मतलब कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा आते हैं जो प्राइमरी सेक्शन में आते हैं, और क्योंकि 12 वोल्ट डायरेक्टली इसका ड्रेन पे जाता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये मॉस्फेट यहाँ पर लगाएंगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर से ख़राब हो जाएगा। और इसके जो ड्रेन पे नॉर्मली 1 वोल्ट आता है, या फिर 0.98 वोल्ट आता है, या फिर 1.1 वोल्ट आता है। तो ये हमने मॉस्फेट जो है रिमूव किया था उस बोर्ड से, तो इसे हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको फिक्स कर लेते हैं, साथ में रहो। तो समझते समझते वीडियो अगर कुछ केसेस होता है अगर समझाना पड़ता है तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है जितने में वीडियो शॉर्ट हो उतना ही बस बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी को बहुत सारा लोग है जो संतुष्ट नहीं होते हैं मेरे वीडियो से भी, मतलब किसी का वीडियो से ही वो संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वो फ्री सीखना चाहते हैं, क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि आपको अगर फुल नॉलेज लेना है तो कैसे भी जाके आपको कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फुल सिखाने के चक्कर में 40 मिनट एक घंटा करके एक एक वीडियो बनाऊं, और क्या होगा अल्टीमेटली कोई भी वीडियो नहीं देखेगा, और जो भी सब्सक्राइबर था वो धीरे धीरे अनसब्सक्राइब करके भाग जाएगा, क्योंकि और सारा जगह पे बोलते फिरेगा कि इसके चैनल में मत जाओ, एक एक वीडियो एक घंटा करके ये बकवास करता है। तो इसके चक्कर में भी मैं नहीं बनाता हूँ, और कुछ कुछ केस होता है कि सब कुछ डिटेल्स में ऑन वीडियो में समझाया नहीं जाता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मूड होना चाहिए। मतलब अगर कभी भी हम क्लास दे तो इंस्टीट्यूट करे तो ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, अगर किसी को इंटरेस्टेड है सीखने में तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तब जाके डिटेल्स में हम सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है मेथड को बस दिखाता हूँ, ऐसे करने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वीडियो देखते हैं वो काम करते हैं, काम करके गुजारा करते हैं, सीखने वाला तो कोई नहीं है चैनल पे। ये हो रहा है कैसे सॉल्व करना है ये बस दिखाओ, सारा लोग इसी से ही खुशी है, ठीक है। तो सबका जहाँ पर खुशी है वही हम करते हैं, बस 2-3 लोग कभी कभार कमेंट बाय डिफॉल्ट कर देते हैं आधा सीख के क्या करना। तो भाई सबका डिमांड तो हम पूरा नहीं कर सकते ना। तो देखो बहुत बकबक कर दिया, किसी को बुरा लगा तो भाई डोंट माइंड, मैं सबके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ टॉपिक उठा था, बात बना था, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। तो ये लगा दिया, अभी इस बोर्ड को एक बार चलाएंगे, फिर भी 24 मिनट हो गया, तो रेड एलईडी यहाँ पर जलना चालू हो गया, और इसको एक डिबग का डाल देते हैं, तो PSON अभी भी नहीं आया है, पता नहीं क्यों ये ब्रांडेड बोर्ड का कुछ अलग लोचा हो जाता है कभी कभार। तो VRM अभी डालते हैं और फैन को भी लगाते हैं। तो अभी टिगर देता हूँ, ठीक है, ये टिगर, ये लो टिगर दिया,
तो देखते हैं क्या, बोर्ड तो ऑन हो गया, सॉरी डिबग कर नहीं दिख रहा है। चलो बोर्ड अभी VRM सेक्शन में डालने के बाद ऑन हो गया, पर थोड़ा सा चल के बंद हो गया, फिर से चला, पता नहीं डिस्प्ले आएगा कि नहीं, बीप तो नहीं किया है, पर क्या है ये रीस्टार्ट हो रहा है बार बार, ये फिर से बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ हुआ, ये मॉस्फेट मेरे ख्याल से फिर से ये मॉस्फेट खराब हो गया। डेफिनेटली एकदम ये मॉस्फेट फिर से उड़ गया है, तो PCB में कुछ शॉर्ट नहीं है पर मॉस्फेट क्यों उड़ गया, एक सेकेंड। PCB में कुछ शॉर्ट नहीं है पर मॉस्फेट क्यों उड़ गया, यही देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये लाइट को जाने देते हैं, फिर से एक बार टिकर देकर देखते हैं। तो ये फिर से चालू हुआ है, पर VRM सेक्शन अभी मैंने खोल रखा है, और टिकर देके एक बार देखता हूँ। ये टिकर नहीं ले रहा है, और ये फिर से सेम कंडीशन पे आ चुका है। तो चलो मॉस्फेट को रिमूव कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जो मॉस्फेट लगा था वो फिर से खराब हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये मॉस्फेट हमने लगाया था, ये फिर से खराब हो गया, मुझे और एक मॉस्फेट कलेक्ट करके फिर से लगाना पड़ेगा। ये देखो, देखा फिर से खराब हो गया। CPU को हटा के दिखाता हूँ, ये देखो फिर से ये शॉर्ट हो गया, फिर से शॉर्ट हो गया। तो चलो मॉस्फेट को रिमूव भी कर देते हैं पहले। मुझे और एक मॉस्फेट कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसे और एक कलेक्ट करके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो और एक मॉस्फेट कलेक्ट करके मैंने लगाया, जो ये है। तो देखो ये है, ये था फर्स्ट वाला जो बोर्ड के साथ था ख़राब, उसके बाद मैंने जो डेल का एक बोर्ड से लगाया था वो ये था, ये दोनों ख़राब हो चुका है। पहले तो ये ख़राब था, सेकेंड बार ये ख़राब हो चुका है। तो ये ख़राब होने के बाद मुझे थोड़ा सा क्या बोलो इसको, डाउट लगा कि भाई क्यों ख़राब हुआ। तो ये देखो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर दिख रहा है, कहाँ गया मेरा ट्वीज़र, ये जो था यहाँ पर एक कैपेसिटर था, ये देख सकते हो बोर्ड को, ये जो कैपेसिटर था ये शॉर्ट था, ये भी शॉर्ट था, तो इसको भी मैंने हटा दिया। तो ये हटा दिया, इसके बाद मैंने और एक मॉस्फेट जो है यहाँ पर अभी लगाया, ठीक है। तो लगा के अभी भी चेक नहीं किया, तो ये सरफेस जो है अभी भी क्लीन भी नहीं किया मैंने, तो इसे पहले क्लीन कर लूँगा और एक बार पावर दे के देखेंगे। अगर फिर से ये उड़ जाता है तो सॉरी ये वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 28 मिनट हो चुका है वीडियो, ठीक है। तो देखो समझाने के चक्कर में कितना लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो यही होता है। तो ये लास्ट टाइम है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड तो सॉल्व कर देंगे पर वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर लकीली हो गया तो अच्छा है। तो पावर दिया, लाइट तो नहीं आया, डिबग कर डालता हूँ, और इस टाइम थोड़ा सा ऊपर में लेता हूँ, फैन भी लगाना पड़ेगा, और CPU का पावर कहाँ है, CPU का 12 वोल्ट इनपुट डाला, और SMPS का पावर देता हूँ। नीचे कुछ नहीं है ना, एक सेकेंड, डर लगता है कभी कभार, ख़राब हो जाता है ये। तो ठीक है अभी एक बार पावर देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली तो ऑन हो गया, पहले भी हुआ था, तो देखते चलता है कि नहीं। भाई हो गया, ये रैम का बीप दे रहा है, मतलब हो गया। चलो चलो वीडियो मिल जाएगा, हो गया। तो अभी ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो कैपेसिटर था SMD वो भी शॉर्ट था, इसलिए वो मॉस्फेट दोबारा जब मैंने लगाया फर्स्ट टाइम वो ख़राब हो गया। तो देखो
ये फिर से लगा दिया, तो अभी डिस्प्ले आ जाना चाहिए। वीजीए पे लगा रख के रखता हूँ, देखते रैम सपोर्ट लेता है कि नहीं। डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, रैम का बीप आया, मतलब ये डेफिनेटली होना चाहिए, पर अभी भी आया नहीं, कुछ आया नहीं डिस्प्ले। ठीक है, एक बार से एक सेकेंड कीबोर्ड कनेक्ट करके देख लेता हूँ। एक कीबोर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड, नहीं आया कीबोर्ड पे, आया नहीं, तो एक बार ऑफ करता हूँ। ऑफ कर दिया, फिर से चलाया, देखते ये डिस्प्ले आया नहीं, पर रैम सपोर्ट नहीं किया होगा। मे भी डिस्प्ले इसका कीबोर्ड पे भी आया नहीं, तो चलो एक अलग रैम लगा के देखते। ये रैम को हटा देते हैं, क्योंकि ये रैम की वजह से भी प्रॉब्लम आता है कभी कभार। पावर देने के साथ ही चल गया, पर डिस्प्ले 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 आना तो चाहिए भाई, क्या हो रहा है ये? डिस्प्ले आया नहीं, यूएसबी पे नहीं आया नहीं अभी भी, तो इसका रैम खोल के देखते हैं ये बीप करता है कि नहीं। हाँ, ये तो रैम का बीप कर रहा है, रैम का बीप कर रहा है, मतलब डिस्प्ले तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए था रैम के साथ। तो एक काम करता हूँ, रैम स्लॉट को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। वीडियो 31 मिनट हो गया, ये ब्रांडेड बोर्ड में क्या है, कभी कभार जो रैम है वो सपोर्ट नहीं करता है, हर रैम सपोर्ट नहीं करता है, यही एक इशू है इस ब्रांडेड बोर्ड में। चलो अभी एक बार देखते हैं क्या होता है। दिया पावर, तो डिस्प्ले आउट नहीं हुआ, तो चलो ये मेरे ख्याल से बायस का इशू हो सकता है इस बोर्ड में। अगर ऐसा है तो एक बार बायस करके देख लेंगे, डिस्प्ले इसका डेफिनेटली आ जाएगा। रैम का बीप आ रहा है, मतलब बोर्ड अभी रेडी हो चुका है, पर ये डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है। मे बी इसका बायस में कुछ फॉल्टी है, तो बायस पे अभी जाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो टॉपिक हमारा था जो आज यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, तो अलग जब वीडियो आएगा तो इसका स्टेटस दे देंगे उस बोर्ड पे। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहो, तो बोर्ड में रेडी कर दूंगा ये बायस करने से, एक बार रिप्रोग्राम करने से ये हो जाएगा। ठीक है, और पॉज नहीं करूंगा, ऑलरेडी 33 मिनट हो चुका है वीडियो। तो देखो ये जो सिंपल छोटा सा एक प्रॉब्लम था मैंने शेयर कर दिया, तो VRM सेक्शन के मॉस्फेट के बारे में आज बताया डिटेल्स में। अगर आप कुछ सीखे हो, अच्छे लगे हो, तो एक लाइक कर दो, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है, लव यू ऑल, जय हिंद।